संचालक गणों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं सादर नमन करता हूँ। और आइए सुंदरकांड का वह पावन कथा प्रसंग दोहा क्रमांक 36, जिसका शीर्षक है मंदोदरी का रावण को प्रथम उपदेश। मानस प्रेमी सज्जन वृंद, ऐसे रामचरित मानस में 14 लोगों ने 17 बार मोह के प्रतीक रावण को उपदेश देने का प्रयास किया, लेकिन रावण के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। और इसी कड़ी पर रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी भी रावण को समझाने के लिए 4 बार प्रयास करती है, और 4 बार के प्रयास के बावजूद भी रावण समझ नहीं पाता क्योंकि वो मूर्ख है। तो आइए सुंदरकांड के पावन कथा प्रसंग में मंदोदरी का प्रथम उपदेश प्रस्तुत दोहे का भाव गोस्वामी जी देते हैं। मंदोदरी उपदेश करती हुई रावण से कहती है, ऐ नाथ, श्री रामचंद्र जी के बाण जो है सर्पों के कमों के समान है, और आप सहित आपके निशाचर कुल जो है वो मेढक की तरह है। जब तक जिस प्रकार से सर्प मेढक को ग्रस्त नहीं लेता, तब तक मेढक की बचने की संभावना रहती है। इसी प्रकार से जब रामचंद्र जी के बाण रूपी सर्प निशाचर समूह रूपी मेढक को ग्रस्त न ले, तब तक जतन कीजिए, बचने तक प्रयास कीजिए। इसी में लंका के निशाचरों की आपकी और मेरी सबकी भलाई निहित है। ये तो हुआ दोहा का साधारण भाव। आइए यथामति कुछ गंभीर सूत्रों को आपके बीच रखने का प्रयास करें। मंदोदरी का रावण को प्रथम उपदेश। मंदोदरी कौन है? ऐसे व्यवहारिक दृष्टि से लंकापति रावण की मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा, मेघनाथ की माता है और लंका की राजरानी है, रावण की पट महिषी नारी है। और जब निश्चर कुल का उबार होते नहीं देखती, निशाचरों का संहार होते हुए देखते हैं, निश्चर कुल का नाश होते हुए देखती हैं, तो कुल की रक्षा के लिए, कुल की भलाई के लिए मंदोदरी भी प्रयास करती हैं और रावण को समझाने का प्रयास करती हैं। और मंदोदरी जो है
पंचकन्याओं में जिनकी गिनती होती है, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरित प्रातः सर्वपातक नाशनम। और मंदोदरी का उपदेश का शुरुआत सुंदरकांड में थोड़ा सा वहाँ होता है, जब अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हैं और रावण सीता जी को अपने ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, एक बार विलोक मम ओरा। और उस समय सीता जी रावण को कठोर वचन कहती है, कह सीता सुनुजति गोसाई, और बोले वचन दुष्ट की नाई। और उस रूप आता है, सीता जी को नहीं मारती। तो मंदोदरी की ये आशा बंधती है, चार बार समझाने का मतलब ये आशा बनती है, जब उस समय रावण रुक गया था, सीता जी को मारना नहीं चाहे तो मेरे चार चार उपदेश देने के बाद रावण जरूर समझ जाएंगे, मान जाएंगे। और इसी प्रयास में निशाचर कुल की रक्षा के लिए, रावण की रक्षा के लिए मंदोदरी जो है समझाने का प्रयास करती है। तो प्रथम उपदेश कब होता है, मंदोदरी रामचरितमानस में चार उपदेश देती हैं। प्रथम उपदेश जब समुद्र के पार बानरी सेना सहित भगवान राम उतर जाते हैं, एह विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर की, जहाँ तक लागे खान फल भाल विपुल कपिवीर, कुहा निशाचर रहें शंका, जब ते जार गयों कपिलंका। हनुमान जी के द्वारा लंका दहन भी किया जा चुका है, निज निज गृह सब कर ही विचारा, नहीं निश्चर कुल के रूप उबारा। निशाचर कुल के राक्षस रावण के समक्ष तो कहते हैं, नर कपिबालु हार हमारा, जिते सुरासुर तो श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही, लेकिन अपने घर में विचार करते हैं, निज निज गृह सब कर रही विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। जास दूध बल वरनी न जाई, ते ही आए पुर कवन भुलाई। और तब उसी समय मंदोदरी जो है हाथ जोड़ करके कहती है, मंदोदरी को ये समाचार कहाँ से मिला, तो दो तीन सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। दूतों की बात, राक्षसों की बात को जब मंदोदरी सुनती हैं तो व्याकुल हो जाती है, और व्याकुल होकर के रहस जोड़ कर पति पग लागी, दोनों हाथ जोड़ करके पति रावण के चरणों में प्रणाम करती है और बोली वतन नीति रस पागी। नीति रस से चले हुए जो वाणी बोलती हैं। नीति चार प्रकार की होती है, साम दाम अरुदंड विभेदा, काम दाम भय भेद दिखावा, ये चार नीति है। मंदोदरी सबसे पहले साम नीति का प्रयोग करती है कि कंत करस हरिशन पर परिहर हो, मोर कहा अति हित ही अधर्म, ऐ पति देवता ऐ कंत तुम बैर छोड़ दो और मेरा कहा मानो, मोर कहा अति हित अति धर हो, अर्थात आपका कल्याण होगा भलाई होगा, बैर छोड़ दो। फिर दाम नीति का प्रयोग करती हुई कहती हैं, ता सुनार निज सचिव बुलाई, पठयो उस कंत जो चहु भलाई। ऐसे रामचरितमानस ने जितने भी समझाया, सीता देने की बात कही है, तो मंदोदरी भी कहती हैं, ता सुनार निज सचिव बुलाई, अपने मंत्री को बुला करके उसके नारी अर्थात श्री सीता जी को वापस कर दो, इसी में भलाई है, अर्थात तुम्हारे कुल की बार हो सकती है और लाभ की बात कहती है। तो ये दाम नीति का प्रयोग हुआ। और भय दिखाती है, जब लगी ग्रसतन तब लगी जतन करहु तजिते, जब राम के बाण जो सर्प के समान है, सर्प रूपी बाण आपके निशाचर जो मेढक की तरह उसको ग्रस्त नहीं लेते, तब तक समय है, समय रहते ही संभल जाओ। भय दिखाते हैं, जब लगी ग्रसतन तब लगी जतन करहूँ तजिते, भय दिखाती हैं। और उसके पश्चात मंदोदरी कहती है, यदि आप हमारी बात नहीं मानोगे, निशाचर
राम से जाकर के मिल जाएंगे और उस समय हमारी लंका का भेद राम को मालूम हो जाएगा, तो और कल्याण की संभावना नहीं रह जाएगी। प्रमुजत दास दूत कह करनी श्रवण गर्भ रजनीचर घरनी, और जिसके दूत के गर्जना से जो है निशाचर स्त्रियों की गर्भ जो है खिसक जा गई है, तो ऐसा भय दिखाती है, माने निशाचर वंश का समूल नाश हो जाएगा। तो शाम दाम दन और भेद, या शाम दाम भय और भेद चारों नीति से मंदोदरी हाथ जोड़ करके समझाने का प्रयास करती है और फिर कहती हैं, तब कुल कमल विपिन दुखदाई सीता शीत निशा सम आई। ऐ नाथ, आपके कुल रूपी कमल वन में सीता जो है दुख देने के लिए आई है। सीता शीत निशा सम आई, सीता जो है शीत निशा के रूप में आई है। रावण से कहती है कि अरे पति देवता, आपका कुल कमल वन है, सीता ही मृत्यु की रात्रि है, कमल तालाब के जल के आश्रित रहता है, अर्थात जल में ही कमल का विकास होता है। प्रसूत प्रसंग में लंका तालाब है और आपका बल जो है जल है, जिसके आश्रित जो है राक्षस कुल है, जल रहने पर ही कमल खिलता है, और जल रहने पर भी जब हिम रात्रि आ जाती है, हिम ऋतु की रात्रि आ जाती है, तो जल रहते हुए भी कमल नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से आपके रहते हुए भी जब सीता जी के माध्यम से जब राम जी आ जाएंगे, तो आपके कुल का कल्याण होने वाला नहीं है, ऐसा समझाने का प्रयास करती है। प्रगटे जहाँ रघुपति सचारु विश्व सुखद खल कमल तुषारु। उसके पश्चात सीता जी पुनः मंदोदरी कहती, सुनहु नाथ सीता बिनु दिन्हे कितना तुम्हार सम वो अधिकिन्हे। सीता को बिना वापस लौटाए शंकर जी और ब्रह्मा जी भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी और शिव जी राम जी के सेवक हैं और इसलिए स्वामी की अवज्ञा मान करके जो है शंकर और विष्णु भी तुम्हें बचा नहीं सकेंगे। तब कहते राम बाण अहिजन सरीसर निकर निसाचर भी जब लगी ग्रसतन तब लगी यतन करहु तजिते। रावण को प्रस्तुत दोहे में मंदोदरी सावधान करने का प्रयास करती हैं। राम बाण प्रस्तुत दोहे में राम बाण को सर्पों का समूह कहा गया, अहिगण राम बाण अहिगण सरीसर। रामचरित मानस में राम के बाण के लिए अनेक उपाधि दिया गया है, राम के बाण के विविध रूप, जैसे हनुमान जी महाराज सीता जी को धैर्य बंधाते हुए अशोक वाटिका में कहते हैं, निशिचर निकर पतंग कम रघुपति बाण कृषान जननी हृदय धीर धरी जरे निशाचर जान। निशाचर का समूह जो है पतंगा का झुंड है, पतंगा का समूह की तरह निश्चर निकर पतंग सम, और भगवान राम का बाण जो है कृषाणु है, और उस राम के बाण रूपी कृषाणु से ये पतंगा की तरह जो है निशाचर दल जो है जल करके नष्ट हो जाएंगे और भगवान राम आकर के आपको ले जाएंगे, ऐसा सीता जी को धैर्य बंधाती है हनुमान जी। उसी प्रसंग में राम के बाण को सूर्य भी कहा गया है, राम बाण रवि हुए जानकी, राम बाण रवि हुए जानकी, यानी राम के बाण रूपी सूर्य का उदय जब हो जाएगा तो तम वरुत कह जात भान की। निशाचरों की ये सेना है अंधकार फैलाए हुए हैं, इस प्रकार से सूर्योदय से अंधकार नष्ट हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार से राम के बाण रूपी सूर्य के उदय से जो है अंधकार दूर हो जाएगा, निशाचरों समीचर जो है का नाश हो जाएगा, ऐसे हनुमान जी वहाँ बताते हैं।
और प्रस्तुत प्रसंग में राम की बाण को जो है अहिगन सरिस कहा गया है। रामचरितमानस में इनके पूर्व मंदोदरी जो है प्रदूषण प्रसंग में प्रदूषण वध प्रसंग में जो है प्रदूषण वध लीला में समझ चुकी है, जान चुकी है राम की बाण कितना कराल है। कहते हैं तब चले बाण कराल, खरदूषण प्रसंग में तब चले बाण कराल, कुकरत जनु बहु ब्याल, तब चले बाण कराल, कुकरत जनु बहु ब्याल। और उसी प्रकार से आगे भी जिस समय कुंभकर्ण के साथ युद्ध होता है उस समय भी उनके राम के बाण को काल सर्प कहा गया है। सत्य सन छाड़े शरलक्षा, काल सर्प जन चले सपक्षा। और राम रावण युद्ध होता है उस समय भी राम के बाण को सर्प कहा गया है, फनीस कहा गया है। ताने उचाप श्रवण लगी छाड़े विशिख कराल, राम मार गन गन चले लहु लुहार, जनु ब्याल चले बाण सपक्ष जन उर्गा। और गोस्वामी जी फिर लिखते हैं है कि सरासन श्रवण लगी छाड़े सर की रघुनायक शायक चले मानव काल फनी। तो इस प्रकार से मंदोदरी आज जो कह रही है कि राम बाण अहिगन सरिस पूर्व में भी देख चुके हैं प्रदूषण युद्ध प्रसंग में और आगे भी राम के बाण को काल सर्प के रूप में देखती हैं। और लंका कांड की शुरुआत में राम के बाण और धनुष को जो है काल का प्रतीक माना गया है। लव निमेश परमाणु जो वरस कल्प सरचन भजस निमन तेहि राम को काल जात को दंड। एक धनुष के रूप में अचल काल को दंड और बाण के रूप में जो है चल काल के रूप में राम बाण का स्वभाव कैसा विशेषता कैसा है तो राम का बाण जो है सांपों के समूह के सदृश है। सांप जैसे विषैला होता है वैसे राम के बाण भी विषैला है। सांप जैसे सपक्ष होता है वैसे राम के बाण भी सपक्ष है। सांप जैसे लंबा होता है वैसे भगवान के बाण भी लंबा है। जैसे सांप का स्वभाव है ग्रसना, अजगर आदि बड़े बड़े सर्प जो है जीवों को जीव जंतुओं को ग्रसते हैं वैसे राम के बाण रूपी सर्प जो है ग्रसते भी हैं। और इसी प्रकार से सांप का एक स्वभाव है फुफकारना, सांप का एक स्वभाव है फुफकारना, फुकरत चले बहु ब्याल। सांप का एक स्वभाव है फुफकारना तो भगवान के बाण रूपी सर्प भी फुफकारते हैं और सवे तेजी के साथ चलते हैं, भयंकर है। और जैसे सर्पों के काटने से मृत्यु हो जाता है उसी प्रकार से राम के बाण से भी अनगिनत निशाचरों का निशाचर के समूहों का वध हुआ और इसलिए राम के बाण काल समान है। हम राम के विभिन्न लीलाओं में देखें एक ही बाण प्राण हरि लीला तारिका के प्राण ले लिया गया और मंदोदरी के कर्णफल भी गिरा करके मंदोदरी के कानों के माध्यम से रावण को संदेशा काल का संदेशा भेजते हैं। छत्र मुकुट ताटंग सब हटे एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरम न को जान। इसी प्रकार से बाली वध की प्रतिज्ञा करते हैं, निशाचर वध की प्रतिज्ञा करते हैं और बाली को एक बाण से मारते हैं। सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नो बलिदान। बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मानी, मारा बाली राम सब हृदय मान शर्तानी। और आगे चल करके यही काल सर्प का भय हनुमान जी सुग्रीव को दिखाते हैं। सबसे पहले तो राम जी भयभीत करना चाहते हैं, लक्ष्मण जी से कहते हैं सुग्रीव वही सुधि मोही विशारी, पावा राज होशपुर नारी, ये शायक मारा मैं बाली।
तेहिसर हतो मूर्ख कह काज। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु इस प्रस्ताव में कुछ संशोधन चाहता हूँ, अर्थात आप बड़े भाई का वध आपने किया तो छोटे भाई का वध का अवसर मुझे प्रदान कीजिए, और जिसको कल मारने के लिए बात कह रहे हैं उसको आज ही कीजिए, कल पर न छोड़िए। तब समझाते हैं लक्ष्मण जी, तब अनुज ही समझावा रघुपति करुणा शिव भय दिखाई लया बहुता सका सुनी। उनको गसना नहीं है, मारना नहीं, भयभीत करके ले आना। और उसके लक्ष्मण के जाने के पूर्व हनुमान जी जो है राम के बाण जो काल सदृश है उसका प्रभाव जो हनुमान जी सुग्रीव को बताते हैं कि सुग्रीव जिस बाण से राम ने बाली का वध किया है वो बाण कहाँ मालूम है? राम के तरकक्ष में है। और जिस प्रकार से बाली ने अपराध किया उसी प्रकार के अपराध तू करेगा तो उस बाण से तू नहीं बच सकेगा। हनुमान जी काल सर्प का भय दिखाते हैं। इस प्रकार से मानस के विभिन्न प्रसंगों से स्पष्ट हो जाता है कि भगवान राम का बाण जो है सांपों के सदृश भयभीत करने वाला कराल भयंकर आदि है। इसी बात की मंदोदरी कहती है कि राम बाण अहिगन सरीस। फिर कहते निकर निशाचर भेक, भेक माने मेढक, सर्पों का समूह, ये निशाचरों का समूह जो है मेढक की तरह है। राम का बाण जो है सर्प की तरह है, अही की तरह है, तो निशाचरों का जो निकर है वो भेक की तरह है। इसका मतलब ये है जैसे सर्प मेढक को खोज खोज कर खाते हैं, सर्प का भोजन है मेढक, वैसे राम बाण निशाचरों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे, किसी भी निशाचर को नहीं बचाएंगे। और सर्प के समक्ष मेढक का कुछ नहीं चलता, सर्प मेढक कुछ नहीं कर सकेंगे, वैसे राम के बाण रूपी अहिगन रूपी यानी बाण रूपी सर्प से जो है निशाचर कुछ नहीं कर सकेंगे। हाँ, बाण आने के पहले या जिस प्रकार सर्प के रसने के पहले मेढक यत्न कर सकता है बचने के लिए, और उसी प्रकार के राम के बाण आने से पहले जो है निशाचर रूपी जो भेक है वो भी यत्न कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं बचने का, समय पूर्व सावधान हो जाना चाहिए, और नहीं तो फिर अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई थे, बिना बिचारी जो करे सो पाते पछताए, काम बिगाड़ो अपना जग में हो हटाए। यतन करो यानी यतन करने से बचेंगे युद्ध से नहीं, शरणागत हो जाना इसी में कल्याण है। कवितावली रामायण में सुंदर सी बात कहा गया है, यतन क्या है, मंदोदरी कहे कि सीता जी को वापस सौंप दे, राम जी का भजन कर, राम जी की शरणागति ग्रहण कर। तो कविता रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं तौलो मिली वेग नहीं जौलो रन रोस भयो, तौलो मिली वेग नहीं जौलो रन रोस भयो, दासरथी वीर वीर वीरु दैत बाको है। अर्थात जब तक राम रोष करके बाण नहीं छोड़ देते तब तक तुम राम के बाण छोड़ने के पहले तुम राम के शरणागत हो जा, सीता को वो वापस दे। तो तौलो मिली बेग नहीं जौलो रन रोष भयो, दास रथी वीर वीर वीरु दैत बाको, तौलो मिल बेग देही सी, तौलो मिली बेग देही सी जौलो चाप न चढ़ायो राम। जब तक राम ने चाप धनुष पर जो है बाण नहीं चढ़ाया है तब तक जान की वापस कर दो, तौलो मिल बेगी देही सी है जौलो चाप न चढ़ायो राम, रोष बाण काढ़ियो न दलैया दस शीश को। ठीक उसी समय तुलसीदास जी भावुक हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी गर्भ तजी मिली बे, तुलसीदास जी कहते हैं कि अभिमान को छोड़ करके मिलिए, तुलसी गर्भ तजी मिली बे को ताज सजी न तो पिए पाई माल जाही गो। यही यत्न है और यही यत्न
मंदोदरी रावण से करवाना चाहती है, पिताचर कुल का उपहार चाहती है, रावण को बचाना चाहती है। और इसी प्रकार से रामचरित मानस में अंगद रावण प्रसंग में भी निशाचरों के समूह को जो है मेढक कहा गया है। अंगद जी कहते हैं कि प्रीति और भय समानता में ही शोभित होती है। जब दोनों समान हो, छोटा बड़ा हो, निर्बल सबल हो, तो न प्रीति की शोभा है न बैर की शोभा है। तो प्रीति और बैर समानता में शोभित होती है। तो अंगद जी कहते हैं कि श्री राम तीन स्वरूप है। मंदोदरी यहाँ कहती है कि राम के बाण अहिगण के समान, और वहाँ अंगद जी कहती है राम तीन स्वरूप है और निशाचर जो है मेढक स्वरूप है। तो सिंह का मेढक से लड़ाई उचित नहीं है, क्योंकि सिंह सबल होता है और मेढक निर्बल होता है। ये नीति शास्त्र की दृष्टि से उचित नहीं है। जब ही समर को पही रघुनायक, फूट अति कराल बहुसायक। अंगद जी कह रहे हैं तब की चलही अकाल तुम्हारा, अस विचार भज राम उदारा। अंगद जी पुनः रावण को कहते हैं श्री रामचंद्र जी कुपित होकर तीक्षण सर बाण चलाएंगे, कट जाएगा मस्तक तेरा, बोलता बंद हो जाएंगे, आनंद होए बानर भालू, चौगान का खेल मचाएंगे, तब ये तेरे सुंदर मुखड़े बानर की चपटे खाएंगे। और इस प्रकार से अंगद जी निशाचर के समूह को जो है मेढक कहते हैं। प्रस्तुत प्रसंग में मंदोदरी कहती हैं कि जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करहु तजि ते। और जब लगी और तब लगी, जलो तलो, और इस प्रकार का शब्द रामचरित मानस में और आया है। कहा जाता है सुंदरकांड में ही कहा गया है कि जब तक राम जी का भजन नहीं करोगे, जब तक हमारे जीवन से काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दूर नहीं होगा, तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपने मन विश्राम। विष्णु जी कहते हैं तब लगी कुशल न जीव कहूँ, जीव के जीवन में कुशलता तब तक नहीं है और मन में विश्राम तब तक नहीं। तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपने मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ शोक धाम तई काम। जब तक राम जी का भजन ना किया जाए। और फिर कहते हैं तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। तो तब तक ये खल काम क्रोध लोभ मोह हृदय में बसते तब तक, जब लगी उरना बसत रघुनाथा, जब हित तक हृदय में रामचंद्र जी का वास ना हो। और कैसे वास, धरे चाप सायक प्रतिभा था। और यहाँ पर भी वही बात कहा गया है, राम बाण अहिगण सरिसर निकर निशाचर भी, जब लगी ग्रसतन तब लगी यतन करहुं तजिते। जब तक राम के बाण रूपी सर्प ग्रस्त नहीं लेते, तब तक बचने का उपाय किया जा सकता है, उद्यम किया जा सकता है। तो प्रस्तुत प्रसंग में मंदोदरी बार बार समझाने का प्रयास करती है। किसी ने पूछा कि मंदोदरी के उपदेश का रावण के ऊपर कितना असर पड़ा, कितना रंग चढ़ा, कुछ प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। तो गोस्वामी जी लिखते हैं श्रवण सुनी सतताकर वाणी, विहिषा जगत विदित अभिमानी। मंदोदरी के नीति रस से सने हुए वाणी को भी सुन करके, श्रवण सुखी सुनी सतताकर वाणी, विहिषा जगत विदित अभिमानी, रावण जो है खिलखिला करके हंसता है। और कैसे हंसता है, तो अभिमान पूर्वक हंसता है। कवय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल मोह भय मन अति काचा, जो आवई मर कट कटाई, ये विचारे निश्चर खाई, कंपनी लोक पर जाकी तरह सा। जिसके डर से बड़े बड़े लोकपाल देवता पवन सब डरते हैं। तो मारे काटे वाला मजा नहीं, मैं खड़ा हूँ दीदी माला बोले।
पई लोक अब जाती त्राता ता सुनारी सभी बड़ी हाशा। और उसकी स्त्री जो है मंदोदरी डर रही है, भयभीत हो रही है, ये उचित नहीं है। रावण विश्व विजेता है और विश्व विजेता निर्भय है, और ऐसी रावण की पत्नी होकर डरती है और ऐसा कह करके उनको अपने हृदय में लगा करके रावण जो है चले उस स्वभाव ममता अधिकारी मंदोदरी को हृदय में लगा करके ममता को बढ़ाते हुए सभा की ओर चल पड़ती है। और जब सभा में जाते हैं तो मंदोदरी हृदय कर चिंता भय कंत पर विधि विपरीता। मंदोदरी समझती हैं, चिंतित हो जाती हैं कि पति के ऊपर ब्रह्मा जी वाम हो गया है और इसीलिए जो है वो नहीं समझ पाती। ये सुंदरकांड मंदोदरी का ये प्रथम उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और लंका कांड में मंदोदरी जो है दूसरा उपदेश करती है, कब, जब समुद्र पर सेतु का निर्माण हो जाता है और सेतु पार करके भगवान जो है इस पार आ जाती हैं और सेतु बंधन का समाचार रावण को भी प्राप्त होता है और मंदोदरी भी समझ जाती हैं। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो कौतुक ही पा खोज बंधायो। कौतुक में राम की सेना के द्वारा राम जी के द्वारा समुद्र पर पुल का निर्माण हो चुका है, तब मंदोदरी की चिंता भी बढ़ जाती है। इधर दशमुख जो है व्याकुल हो जाता है, सुनत श्रवण बारी जी बंधाना दशमुख बोली उठा अकुलाना। तो मंदोदरी पहली बार तो प्रणाम करती है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती समझाती है, और दूसरे बार क्या करती है, गई करी पति भवन निज आनी, पति को अपने घर में ले आई, बोली परम मनोहर बानी, चरण ननाई सिरु अंचल रोपा, सुनहु विनय प्रिय परिहरि कृपा, नाथ बैर विजय ताहीसो। ऐ नाथ बैर उसी से करना चाहिए जिनको अपनी बुद्धि से बल से जीता जा सकता है। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, तुम में और राम में इसी प्रकार अंतर जैसे खल खल ज्योत मिलकर जैसा, तुम जुगनू की तरह हो और रामचंद्र जी सूर्य की तरह है। और यही जुगनू की बात सीता जी भी रावण को कही है और राम जानकी के समर्पण की बात कहती है। राम ही सौंपी जानकी नाई कमल पदमात, तुतकह राज समर की बना जाय भजिए रघुनाथ। और जानकी को सौंप दीजिए, जिस प्रकार से एक पिता कन्यादान करते हैं अपनी पुत्री को, उसी प्रकार से राम जी को जो है सीता जी लौटा दो, सौंप दो और राम जी का भजन करो। ये दूसरा उपदेश मंदोदरी करती है। और यहाँ पहले उपदेश प्रेम और श्रृंगार से भरा हुआ है और दूसरे उपदेश में प्रेम श्रृंगार के साथ कुछ वीरता की बात भी कहती है। जो प्रिय मानहु मोर सिखावन, तुजस मोर तिंकुर अति पावन। दूसरे उपदेश में आंसू भी बहाती है। असकहि नयन नीर भरी गहि पद कंपित बात, नाथ भजहु रघुनाथ ही अचल होई अहिवात। और आगे चल करके मंदोदरी जो है तीसरा उपदेश भी करती हैं और तीसरा उपदेश में राम जी के विश्वरूप का दिग्दर्शन कराती है। विश्वरूप रघुवंश मणि कर्म वचन विश्वास, जब उनके मंदोदरी के जो है कर्ण फूल आदि गिरा दिए जाते हैं और उससे भयभीत होकर के रावण को पुनः समझाती है कि विश्वरूप रघुवंश मणि कर्म वचन विश्वास, और इस प्रकार से समझाती हैं। और उस तृतीय उपदेश के पश्चात जो स्वामी जी एक पंक्ति कहते हैं, फूल फल न वेद यद्यपि सुधा वर्तही जनद मूर्ख हृदय न के जो गुरु मिलही विरंच सम। और इस तीसरे उपदेश में आंसू बहाते के साथ साथ जो है करुणा का भाव भी जगाने का प्रयास करती हैं, लेकिन रावण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सट होता तो सुधर जाता और मूर्ख है इसलिए ब्रह्मा जैसे गुरु के समझाने पर भी, और मंदोदरी आज गुरु रूप में समझा रही है, उनकी बात मान जाना चाहिए था लेकिन नहीं मानी। और अंतिम उपदेश
जब अंगद जी रावण के राज दरबार से चले जाते हैं उस समय मंदोदरी उपदेश करती है और उस समय सीधा सीधा राम के प्रभाव का वर्णन करती है। वह हाथ भी नहीं जोड़ती, आंसू भी नहीं बहाती और अंत में मंदोदरी ये निष्कर्ष निकालती है कि काल दन्न गही काहु न मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। जब काल आता है, काल दन्न मारते हैं तो धर्म बल बुद्धि आदि सब चला जाता है। अहो मोह महिमा बलवाना, कहते हैं अभिमान की बात कहती, कहीं मोह की महिमा की बात करती है। तो निष्कर्ष तौर पर ये कहेंगे कि रामचरित मानस में मंदोदरी चार बार समझाती है, अन्य लोग 13-14 व्यक्ति 17 बार समझाते हैं, लेकिन रावण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वो मोहान हो चुका है, अपमान से भरा हुआ है और जीवन में रावण की तरह हमारी दशा भी है। हम भी कथा का उपदेश नहीं सुनते और इसीलिए भी उनके कुल का विनाश हो जाता है। तो आज की कथा प्रसंग से यही सीख लें कि पति यदि उचित सलाह, पत्नी यदि उचित सलाह देती है तो जरूर माने, रावण और बाली जैसा ना करें और इसी में कल्याण नहीं है। पुनः आप सबको शिक्षक दिवस की शुभकामना और बधाई संप्रेषित करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री।